नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं जीके जीएस फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, और ऐसा नहीं है कि जीके जीएस सिर्फ बीएड एंट्रेंस में ही पूछेगा। जीके जीएस का सेगमेंट जिन जिन परीक्षाओं में जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं, वे सभी प्रश्न यहां से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और परीक्षा के बाद आप चैनल का मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस चैनल पे परिश्रम बहुत अधिक हो रहा है और यह प्रयास हो रहा है कि आप तक अधिक से अधिक सामग्री और कम से कम प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक बनती जाती है, एक ही प्रश्न से कम 10 प्रश्न बनते हैं। तो आप एक प्रश्न जो इसमें बताया जा रहा है, उस प्रश्न से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं, जहां तक प्रयास हो रहा है कि आप तक पहुंचे, तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही हम लोगों का मनोबल उठता है। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। आप लोग जल्दी उत्तर बताइए। यहाँ पे देखिए, दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। पहला तो बना यह कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, तो किस सुल्तान ने जारी किया था, तो सांकेतिक मुद्रा की जब बात आ जाए तो आप मोहम्मद बिन तुगलक को ट्रिक करें, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा दिल्ली सल्तनत में जो प्रारंभ किया वह मोहम्मद बिन तुगलक था। जबकि यहीं से मुद्रा से एक प्रश्न और बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अरबी शुद्ध सिक्के जारी किए थे, तो वह प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। तो यहाँ का जो सही उत्तर है सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या दो है, किस इतिहासकार को तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, इब्न बतूता, अमीर खुसरो। जल्दी से आप लोग इसे ट्रिक करें, अपना उत्तर बताएं। यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो अमीर खुसरो। आइए अमीर खुसरो से संबंधित जितने ही प्रश्न बनेंगे परीक्षा के दृष्टि से देख लिया जाए। पहला प्रश्न तो यही हो गया, तृतीय हिंद किसको जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को। साथ ही साथ अमीर खुसरो नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो का कहना था कि हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात उन्होंने कहा हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। इसके अलावा अमीर खुसरो को यंत्रों जैसे तबला, सितार का भी आविष्कारक माना जाता है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ देखें कि जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों के काल को देखा था। तो अमीर खुसरो से संबंधित इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अमीर खुसरो से हर परीक्षाओं में एक जीएस का क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा गया है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलजली, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ का जो सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक की संज्ञा दी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव के अंदर इस प्रकार के सैनिक गुण थे, सेनानायक के गुण थे, कि वह विकट परिस्थिति में भी अपने को, अपने सैनिकों को संभाल लेता था और विजय प्राप्त कर लेता था। इसका उदाहरण देखें हम तो भारत में ही प्लासी के मैदान में 1757 ईस्वी में उसने सिराजुद्दौला को पराजित कर ईस्ट इंडिया कंपनी को विजयी बनवाया और उसने भारत के बंगाल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती प्रदान किया। यहाँ यह देखें कि रॉबर्ट क्लाइव से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक की संज्ञा और दूसरे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक नेतृत्व को करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। प्रश्न संख्या 4 है, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? सही उत्तर है इसका ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के
पुरुष सूक्ति में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद से बनने वाले क्वेश्चन जो प्रमुख हैं, तो ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह जो मंत्र है यह सविता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है और यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके अलावा ऋग्वेद के नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद से यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे भगत सिंह, जतिन दास, सूर्यसेन, खुदीराम बोस। जैसा कि क्रांतिकारी का नाम आते ही भगत सिंह का चेहरा सामने घूमने लगता है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनसे भी एक क्रांतिकारी दीवाना जो मात्र 18 से 19 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी पर लटक गया, उनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1907 ईस्वी को किंग्सफोर्ड को मारने के उद्देश्य से उन्होंने बम फेंका और बम फेंकने के बाद वहाँ से भाग निकले, लेकिन उस जो पालकी पर बम फेंके उस पे किंग्सफोर्ड नहीं था, दूसरा कर्मचारी मारा गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने खुदीराम बोस को पकड़कर और उन्हें 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर लटका दिया। तो ऐसे हमारे वीर दीवाने थे जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़े, वे थे खुदीराम बोस। प्रश्न संख्या 6 है, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है संगठन का, प्रबंध का, निरीक्षण का, प्रशासन का। यहाँ निर्णय लेने के कार्य क्षेत्र की बात हो रही है। जैसा कि निर्णय कौन लेता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि कोई समस्या अगर आती है, चाहे वे प्राकृतिक हो या वह मानव निर्मित हो, उसमें उस क्षेत्र के जो प्रशासन होता है, प्रशासक होता है, वह निर्णय लेता है कि इस गतिविधि से, इस समस्या से हमें कैसे निपटना है। तो जो सही उत्तर है, निर्णय का जो क्षेत्र है वह प्रशासन से है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था, दामोदर हुगली, सोन और महानदी, नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा। जैसा कि नदियों के युग्म को जोड़ने से जो असंतुलित कृषि और संचित क्षेत्र रह जाता था उसको सींचने में सफलता प्राप्त हुई है और जिससे कि हमारे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है और हमारे जितने बंजर भूमि थे वे भी जो असिंचित, तो इस महत्वपूर्ण युग्म में सबसे पहले जो जोड़ा गया था वह गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 8 है, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया, WII किलपैट्रिक, अब्राहम मैस्लो, जीन जैक्विस रूसो, जॉन डीवी। सही उत्तर यहाँ है ऑप्शन सी, जीन जैक्विस रूसो। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु वह सभी ओर से जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन जो था वह जीन जैक्विस रूसो का था। रूसो से संबंधित और प्रश्न है, जैसे कि रूसो की अमर कृति है द सोशल कॉन्टेक्ट अर्थात सामाजिक समझौता। रूसो एक ऐसा दार्शनिक था जिसने सामाजिक व्यवस्था के विषय में एक महत्वपूर्ण एवं जोरदार तर्क दिया और उसने अपने ये विचार सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। प्रश्न संख्या 9 है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, हीलियम, आर्गन, नियान, ऑक्सीजन। यहाँ के लिए जो सही उत्तर होगा वह है हीलियम। जैसा कि हैंस वेथ ने बताया था कि 107 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। इस परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा ही सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है, अर्थात सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा बहुतायत पाए जाने वाला जो तत्व है वह हीलियम है। प्रश्न संख्या 10 है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल,
आयन मंडल, जैसा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन परत हमें सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणें, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं, से हमारी मानव समाज की, अर्थात यूँ कहे कि मानव की रक्षा करती है। तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को सबसे अधिक अगर नुकसान किसी से पहुँचता है तो वह पहुँचता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। प्रश्न संख्या 11 है, रक्त के स्कंदन हेतु अर्थात खून का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का स्कंदन नहीं होता है, अर्थात खून का थक्का नहीं बनता है, अर्थात अगर किसी को चोट लग जाएगी और उसके अंदर विटामिन के की कमी होगी तो उसका खून निकलना बंद ही नहीं होगा और शरीर से सभी खून निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है। तो रक्त के स्कंदन हेतु अर्थात खून के थक्का बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन जो है वह विटामिन के है। प्रश्न संख्या 12 है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटेशियम। इसका सही उत्तर यहाँ होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। उर्वरकों का निर्माण, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए उर्वरकों का निर्माण किया जाता है, तो उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, के वी के सुंदरम, टी स्वामीनाथन। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वे सुकुमार सेन थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा हैं, जो 13 अप्रैल 2021 से कार्यरत हैं। प्रश्न संख्या 14 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ के लिए जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए, फुटबॉल। जैसा कि संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसमें भारत के राज्यों के क्षेत्रीय संघ और सरकारी संस्था भाग लेते हैं। इस स्पर्धा की शुरुआत सन 1941 ईस्वी को हुई थी। हर साल यह प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है जिसमें 31 संघ भाग लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप इससे पहले कि हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों का लिंक डाल दे रहा हूं, आप उसे देखें और अच्छी तरीके से सामान्य ज्ञान की तैयारी करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।